अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास वीडियो है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारी स्किन किसी पार्टी वगैरह या फंक्शन में वाइट देखे। तो आज मैं आपको ब्लीच में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करके बताऊंगी जो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी और स्किन में नेचुरल ग्लो लाएंगी, जो हमें सिर्फ पार्लर में ही मिलता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और ब्लीच लेते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि ब्लीच जितनी महंगी होगी इसके साइड इफ़ेक्ट इतने ही ज़्यादा होंगे। एक बाउल लेकर इसमें बारी बारी दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो पाउडर की मिकदार कम रखें, क्योंकि बाद में स्किन ड्राई ना हो जाए। अगर किसी की स्किन ड्राई है तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई कैप्सूल या स्वीट आलमंड ऑयल, ताकि स्किन ड्राई ना रहे। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ स्वीट आलमंड ऑयल, 10 ड्रॉप्स में इसमें ऐड करूँगी। लास्ट में ऐड करेंगे मैजिक कैप्सूल, ये आपको इजीली किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाता है 10 रुपीस में एक। ये वाइटिंग कैप्सूल है और पार्लर में स्किन पॉलिश में इसी कैप्सूल को ऐड किया जाता है ताकि इंस्टेंटली रिजल्ट मिले। तो अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 वाइटिंग कैप्सूल। तो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ, तभी अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। पाँच मिनट के बाद फेस को वॉश करके इसको फेस के ऊपर अप्लाई कर लें, और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे ज़्यादा देर तक अप्लाई मत रखिएगा। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो 5 मिनट से 7 मिनट तक अप्लाई कर सकता है, इसके बाद फेस को वॉश कर लें। मैं इसे अप्लाई कर लूँगी और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और 10 मिनट के बाद मैं इसका रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आया है, इसका बिल्कुल पार्लर वाला रिज़ल्ट है जो आप लोग घर बैठे कर सकते हैं। आप लोग भी इस तरह बनाकर यूज़ करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आपकी स्किन के ऊपर कितना ग्लो आया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकबान।